हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर अहमद और आप देख रहे हैं पीसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटीवायरस की। विदाउट एंटीवायरस आप अपने सिस्टम में कोई डेटा सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक आपके सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होगा तो आपका डेटा वायरसेस से प्रोटेक्ट नहीं होगा। वायरसेस किस तरह आते हैं? वायरसेस हमारे इंटरनेट के ज़रिए आते हैं, हमारी यूएसबी के ज़रिए आते हैं, हमारी सीडी डीवीडी यूज़ करने से आते हैं, किसी अदर सिस्टम की वजह से आते हैं, और वायरसेस की वजह से हमारा डेटा डैमेज भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। अब कुछ एंटीवायरस जो कि हम परचेज करने पड़ते हैं, और कुछ एंटीवायरस जो कि फ्री होते हैं, जिनकी अपडेट्स भी हमें फ्री मिलती है। इसी तरह का एक एंटीवायरस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल एक एंटीवायरस है जिसके ज़रिए आप अपने पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रोजन से, हर तरह के वायरसेस से, और उसको फ्री में अपडेट कर सकते हैं रेगुलरली। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ आके इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे फेसबुक पेज लाइक करने का और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। चलिए देखते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल को किस तरह डाउनलोड करेंगे, किस तरह इंस्टॉल करेंगे और किस तरह यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे google.com। google.com में आके हम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल, अब किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए आपको ये एंटीवायरस? अब मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 7। अगर आप विंडोज़ एक्सपी यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 8 यूज़ कर रहे हैं या विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए सर्च में आ गया, इसके बाद हम आ गए यहाँ पे सिक्योरिटी इसेंशियल डाउनलोड। ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट से ही मिल जाएगा आपको। सेकंड, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल फ्रॉम ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट। ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट से आपको ये एंटीवायरस फ्री में मिल जाएगा। ये देखिए फ्री अपडेट्स, सिक्योरिटी पैचेस, सॉफ्टवेयर अपडेट, सर्विस पैक, हार्डवेयर ड्राइवर, ये रियल टाइम प्रोटेक्ट करता है आपके सिस्टम को वायरसेस से, स्पायवेयर से, मेलिशियस सॉफ्टवेयर से। ये डाउनलोड किया मैंने, ये देखिए यहाँ पे दो सेटअप आ गए, एक x86 मीन जो कि हमारे इंटेल के सिस्टम है, इंटेल के 32-bit सिस्टम, एंड AMD 64। अगर आप AMD 64 यूज़ कर रहे हैं तो इसको डाउनलोड कर, अगर आपका सिस्टम 32-bit है जस्ट लाइक पेंटियम 4 है तो उसके लिए ये सूटेबल रहेगा, और अगर आप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये सूटेबल रहेगा। ये मैंने क्लिक किया, मैं इस वक्त 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, ये क्लिक करके मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करते ही ये देखिए ये सेव का ऑप्शन आ गया। अब ये आप सेव करेंगे, ये सेव हो गया हमारे पास। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। यस, ये देखिए वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी इसेंशियल इंस्टॉलेशन विजर्ड। ये मैंने नेक्स्ट किया, इसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया इसको, आई एक्सेप्टेड, ज्वाइन कस्टमर इम्प्रूवमेंट, नेक्स्ट, या फायरवॉल ऑन रहने देंगे आप तो आपके इंटरनेट से
वायरसेस नहीं आ सकेंगे, फायरवॉल प्रोटेक्ट करेगा आपकी विंडोज़ को। फिर नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए रेडी टू इंस्टॉल, इंस्टॉल। अब ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, मगर उसके बाद आपका ये एंटीवायरस इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गई है। अब इसके लिए यूज़ करने के लिए फर्स्ट आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट करने के बाद इस वक्त मैं अपना पीसी रीस्टार्ट नहीं कर रहा, मगर आप अपना सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद रीस्टार्ट ज़रूर करिएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये आपके हाइड आइकॉन में शो कर देगा। शो करने के बाद फिर आप इसकी अपडेट कर सकते हैं, इसकी अपडेट चला सकते हैं। इस प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे आप, प्रोडक्ट अपडेट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ ना आए या इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। आई होप आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।